पर कटिहार से है, जहां पर चितपुर एक्सप्रेस में टीटीई और जीआरपी का एक जवान आपस में भिड़ गए। जानकारी के अनुसार घटना ट्रेन के एसी कोच की है, जहां पर बगैर रिजर्वेशन के ही जोगबनी में तैनात जीआरपी पुलिस के जवान मुन्ना कुमार सफर कर रहे थे। इस दौरान टीटीई विपिन कुमार ने टिकट मांगा, जिसके बाद दोनों आपस में उलझ गए। कटिहार रेल स्टेशन पर रेलवे के बड़े अधिकारी और जीआरपी के बड़े अधिकारी के पहल के बाद मामला शांत कराया गया। तो देखिए, मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनमानी अधिकारियों की देखी जा रही है। जीआरपी जवान और टीटीई आपस में भिड़ गए। टीटीई ने जीआरपी जवान से टिकट मांगा, टिकट ना होने पर जीआरपी जवान बदतमीजी करने लगा और दोनों के बीच मारपीट हो गई। आपको बता दें कि कटिहार से ये खबर आई है, जहां पर चितपुर एक्सप्रेस में टीटीई और जीआरपी का एक जवान आपस में भिड़ गए। जानकारी के अनुसार घटना ट्रेन के एसी कोच की है, जहां पर बगैर रिजर्वेशन के ही जोगबनी में तैनात जीआरपी पुलिस के जवान मुन्ना कुमार सफर कर रहे थे। इस दौरान वहां पर टीटीई विपिन कुमार पहुंच गए, उन्होंने टिकट मांगा, जिसके बाद दोनों आपस में उलझ गए। कटिहार रेल स्टेशन पर रेलवे के बड़े अधिकारी और जीआरपी के बड़े अधिकारियों के पहल के बाद मामले को शांत कराया गया। और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख पाएंगे जीआरपी जवान और टीटीई इस तरह से भिड़ रहे हैं, जैसे कोई सब्जी मंडी में लोग भिड़ते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कटिहार से हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो नीरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है और विवाद क्यों खड़ा हुआ? देखिए पूजा, ये जो चितपुर एक्सप्रेस है जोगबनी से नई दिल्ली तक जाती है, और ये जोगबनी से जो आरपीएफ के एक जवान थे वो रिजर्वेशन बॉगी में सफर कर रहे थे, और टीटी ने जब उनसे ये कहा कि टिकट कहाँ है, और इसी बात को लेकर के तूतूमेमे शुरू हो गए, और तूतूमेमे के बाद ये पूरा मामला हाथापाई तक हो गया। और कटिहार स्टेशन पहुंचने के बाद दोनों तरफ से मामले को लेकर के विवाद बढ़ता गया और दोनों पक्ष फिर बैठ करके समझौता हो गया, लेकिन अधिकारी के मामले में अभी तक संज्ञान में नहीं आया है और किस किस पर क्या कार्रवाई की गई है अब देखने की बात होगी। जी पूजा जी, तो क्या अब तक ये नहीं पता चल पाया कि जीआरपी जवान जो बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था, माना आप सरकार के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन बिना टिकट के यूं ट्रेन में सफर करना, इसका मतलब आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए पूजा, जो आरपीएफ के जवान है वो लगभग जो सभी जवान होते हैं वो विदाउट टिकट सफर करते हैं ट्रेन में। सरकार पर इस पर नकेल कसने के कई बार सवाल भी उठ चुके हैं, लेकिन और उसी कवायद के तहत आज जीआरपी जवान जोगबनी से निकल ट्रेन में रिजर्वेशन बॉगी में सफर कर रहे थे, और जिसके चलते विवाद हुआ। और ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, इससे पहले कई तरह की घटना हो चुकी है। जी पूजा ठीक है, नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।